इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि बुमराह शहर में जो है आंदोलन और पोषण का सिलसिला लगातार जारी है। कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो है बिजली दर बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं एमआईएम के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो टोरेंट पावर के खिलाफ एक कंपनी के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन वही अब आज दोपहर 2 बजे से मुस्लिम लीग एमएमवली स्थित ये जो टीएमसी का हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, दरअसल इसको प्राइवेट करने के लिए जो टेंडर निकाला गया है उसे रद्द करने की, इसे प्राइवेट न किया जाए, इस तरह की मांग को लेकर जो है मुस्लिम लीग पार्टी जो है ये यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठी है। दरअसल महिला अध्यक्ष जो है मुस्लिम लीग की फरहत शेख, वो भूख हड़ताल पर बैठी है और यहाँ पर महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान सर वो भी यहाँ पर मौजूद है। हम बात करेंगे कि किस तरह से सरकारी हॉस्पिटल जो टीएमसी का बनाया गया था और इसको लेकर आप जो है आज भूख हड़ताल पर बैठी है, इसके पहले भी आपने मनपा के अधिकारियों से मुलाकात की है, तो क्या आश्वासन आपको मिला और उसके बाद आप यहाँ पर जो है भूख हड़ताल पर बैठी है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहली बात, हम लोगों ने हर तरीके का पत्र व्यवहार किया, हमने हर किसी से मुलाकात की, कमिश्नर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक हमने सबसे मुलाकात की और हमने कोशिश की कि इस हॉस्पिटल को प्राइवेटाइजेशन होने से रोका जाए। लेकिन मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि टॉप टू बॉटम हर कोई जो है वो इस चीज में मिला हुआ है। कोई नहीं चाहता है कि मुमराह में जो है वो एक बेसिक एमिनिटी है, बेसिक फैसिलिटी जो है वो लोगों को मिले, क्योंकि यहाँ पर लगता है लोगों को कि लोग सोए हुए हैं, अगर हम कुछ कर भी देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे लोगों को लगता है कि भाई टोरेंट आ गई तो कोई रस्ते पे उतरा नहीं, किसी ने कोई अपोजिशन दिखाया नहीं, तो अब हम जो हॉस्पिटल को भी भेज देंगे तो किसी को खबर नहीं होगी। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर आज भूख हड़ताल की, हमारा कहीं पे भी कुछ सुना नहीं गया। हम लोगों ने क्या सोचा है कि अब हम यहाँ पर भूख हड़ताल के लिए बैठेंगे और साथ ही साथ इंशाल्लाह हमारा लीगल प्रोसेस भी चालू रहेगा इसके ऊपर, कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। दो तरीका जो मुझे समझ में आता है, या तो सरकार इसको वापस ले, दूसरा तरीका ये है कि हम जो है वो कोर्ट के थ्रू जाकर इसके ऊपर स्टे लगाए। तो हमारा दोनों काम चल रहा है, हम यहाँ पर भूख हड़ताल के लिए बैठे, साइड बाय साइड हमने लीगल काम भी इंशाल्लाह हम लोग इसका चालू कर चुके हैं। तो अब बहुत ही जल्द इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि इस हॉस्पिटल के ऊपर, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर हम लोग स्टे ले लें। अच्छा, आप दोपहर 2 बजे से भूख हड़ताल पर बैठे, अभी शाम हो गया है, तो क्या कोई मनपा के अधिकारी वगैरह भी आए आपसे इस 5-6 घंटे के दरमियान में? नहीं, अभी जो 2 बजे है और अभी तीन घंटे जो हम लोगों को यहाँ पर हुए, अब तक हम लोगों को यहाँ पर कोई मनपा के अधिकारी नहीं आए हैं यहाँ पर। अभी 2 बजे से हम लोग बैठे, लेकिन इंशाल्लाह आगे देखते हैं, क्योंकि बातचीत तो ऊपर तक जा चुकी है, इंशाल्लाह अभी बहुत जल्द कोई ना कोई रब्ता करेंगे। तो इस तरह से हॉस्पिटल प्राइवेट किया जा रहा है, इसको लेकर आपने मनपा अधिकारी से मुलाकात भी की थी, तो उन्होंने क्या कहा था कि वाकई में प्राइवेट होगा, टेंडर निकल चुका है, क्या बताया था? देखिए, हम लोग तो ऑनलाइन नेट से उसको सर्च करते रहते, उसका टेंडर निकला है, ठीक है, इसका टेंडर निकल चुका है, लेकिन आज भी जो है ये कमिश्नर के हाथ में है कि उसको रिवोक किया जाए, लेकिन वो रिवोक कर नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि हम कैशलेस करेंगे। अरे कैशलेस करेंगे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा हॉस्पिटल दीजिए कि मुझे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हम लोगों को जो वो कम दमों में, जिस तरह के शिवाजी हॉस्पिटल में इलाज होता है, हमको वैसा इलाज करवा के दे। तो जिसके और जो 2 स्कीम के बिना पर ये हॉस्पिटल चालू होने वाला है, वो मैं आपको बता दूं, उसके अंदर हर बीमारियां कवर नहीं होती, जिसके सारे लूपहोल्स मैंने कमिश्नर साहब को समझाए थे। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है, हम उसके ऊपर ध्यान देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप उसके ऊपर ध्यान न दें, आप वो स्कीम के साथ साथ जो है ये प्योरली जो है वो सरकारी हॉस्पिटल, जिस तरह शिवाजी हॉस्पिटल चलता है, कम पैसों में अच्छा स्वास्थ्य, क्यों हमारा हक नहीं है? हमारे टैक्स के पैसों से ये जमीन और ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो हमारे पास इतना तो हक है। अभी यहाँ पर लिखा हुआ 3,000 करोड़ की जो हमारी थाने महानगर पालिका है, क्या 3 करोड़ रुपए वालों का, 3 करोड़ रुपए का भी हक नहीं है क्या मुमराह वालों पर? 60 करोड़ रुपए यहाँ से टैक्स जाता है एवरी ईयर मुमराह से, तो क्या 60 करोड़ में से 3 करोड़ रुपए इस हॉस्पिटल की मेंटेनेंस के लिए नहीं दिया जा सकता? और हेल्थ तो हमारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए, किसी भी सरकार का प्राइमरी फोकस होना चाहिए, तो उसके लिए आप 3 करोड़ रुपए नहीं निकाल सकते हो, तो फिर ऐसे थाने महानगर पालिका का क्या फायदा? आपने हॉस्पिटल प्राइवेट को न किया जाए प्राइवेट, इसको लेकर शायद आपने सीएम से भी मुलाकात किए थे, क्या कहा था? जब मेरी मुलाकात सीएम साहब से हुई थी, उस वक्त यहाँ के जो कमिश्नर, थाने कमिश्नर जो है अभिजीत बंगार साहब, वहाँ पर वो भी मौजूद थे मौके पर, तो उन्होंने बाकायदा सीएम साहब ने ये चीज कही थी कि मैडम का ये कहना है कि हॉस्पिटल जो है वो प्योरली सरकारी चला जाए और इसका कोशिश किया जाए कि इसको प्राइवेट ना हो, और बंगार साहब को ये इंस्ट्रक्शन भी दिए थे कि आप जो है इसको कोशिश कीजिए कि इसको प्राइवेट ना हो। अब आगे जो है वो उन लोगों ने किसी भी तरीके का फॉलोअप नहीं लिया, लेकिन हम जो फॉलोअप ले रहे हैं, इंशाल्लाह अगर ये नहीं होता है तो हमारे पास सिर्फ कोर्ट का रास्ता है जो हम लोग ने चालू कर दिया है।
अब महाराष्ट्र के जो जनरल सेक्रेटरी है अब्दुल रहमान साहब वो भी आए हुए हैं इस भूख हड़ताल पर, समर्थन कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से मुस्लिम लीग पार्टी टोरेंट से लेकर हॉस्पिटल तक की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं लड़ रही है, आप भी इसके पहले आए थे, टोरेंट के मसले पर बात हुई थी, आज जो है आप भूख हड़ताल किया जा रहा है यहाँ पर, प्राइवेट को लेकर आंदोलन कहे तो शुरू हुआ है। इस भूख हड़ताल के ऑफिशियल इनॉग्रेशन के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ विद ऑल द सपोर्ट ऑफ द स्टेट कमेटी फॉर फगत हु इज लीडिंग दिस हंगर स्ट्राइक। और जो है सिर्फ हम ही नहीं, दूसरे भी बहुत सारे संगठन है, दिव्यांग संगठन है, दूसरा जनजागृति मैंने देखा, दूसरे बहुत सारे लोग यहाँ पर इनके सपोर्ट में आए हुए हैं और सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि दिस इज अ वेरी कॉमन कोर्स। यहाँ के जो मुमरा वासी जो है उनके लिए, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी और अहम कोर्स है, इसलिए सब लोग उसको सपोर्ट करना चाहिए। मेरे आपके माध्यम से मुमरा वासियों से ये अपील है कि आप लोग इस चीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि जब तक जो है आप अपने राइट्स को नहीं जानेंगे और आप अपने ये हकूक को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को नहीं जानेंगे, क्योंकि ये सरकार का जिम्मेदारी बनता है कि मिनिमम बेसिक एमिनिटीज लोगों को मुहैया कराए और हेल्थ उसमें सबसे प्राइम है, इसीलिए सब लोगों को समझ करके फरहत शेख जो लड़ाई लड़ रही है आप लोगों की मुमरा के लोगों के लिए, मुमरा के गरीब तबके के लोगों के लिए, वो सपोर्ट करना बहुत जरूरी है और इसको जीतना बहुत जरूरी है। मैं आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ, जो भी अगर किसी के मन में कोई बिजनेस कॉर्पोरेट्स के मन में अगर ऐसा है कि हॉस्पिटल आप लोग लेकर के प्राइवेट में चलाया जा सकता है, ये आपकी गलत फहमी है, ये प्राइवेट में नहीं चलेगी, सरकार को हमारी मांगे मांगना पड़ेगा और जो है इसको जैसा है सिविल हॉस्पिटल के हिसाब से उसको जैसा है वैसा ही फुल फ्लैज हॉस्पिटल के हिसाब से उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर नहीं अगर हुआ तो मुस्लिम लीग और भी मजबूत तरीके से सड़क पर उतरेगी।